हेलो गाइस, नमस्कार। वी आर फ्रॉम एनिमल प्लैनेट। तो आज हम लोग आए हैं, नया वाला हम लोगों का स्टैंड बाउल आया है उसके लिए। तो ये थोड़ा पहले वाले से एलिवेटेड है और डिज़ाइन में भी अच्छा है और सपोर्टिंग गार्ड भी है। तो इसका फिटिंग आज हम लोग देखेंगे। तो यही आप लोगों से शेयर करने के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, हम लोग के साथ रहिए, देखते रहिए कैसे हम लोग इसको फिटिंग करते हैं। ये जो आप लोग लॉक देख रहे हैं, इस लॉक के सब लॉक के अंदर एक प्रकार की क्लिप है। ये क्लिप क्या करता है, एक क्लिप जब इसके अंदर आप इन करेंगे तो इसको पकड़ रखने के लिए, नीचे में आपको नट दिखेगा, तो पहले से आपको थोड़ा खोल लेना है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, ये जो आपका बॉल है उसको पकड़ के रखेगा। तो हम लोग इसको पहले ऐसे करके घुसाना पड़ेगा, ये आउटसाइड की ओर, ठीक है। ये आउटसाइड करके ये जो है ऐसे ब्लॉक कर देना है, ये हो गया। ये क्या करेगा, ये जो बॉल रहेगा उस बॉल को वो पकड़ के रखेगा। दूसरी तरफ भी सेम टू सेम आपका सेम ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो बाहर वाला रहेगा में आपका जो ये बाउल है, ये बाउल रहेगा, उसको लॉक को आपको फिक्स कर लेना है। ये जो पोर्शन है ये आपको अभी नॉर्मली लॉक कर देना है। जब आप एडजस्ट करेंगे उस टाइम में आप इसको फिक्स कर लेना आपका डॉग के हाइट के हिसाब से। हो गया आपका रेट। इसका बेनिफिट क्या है आपको बोल देते हैं। पहले वाला हम लोगों का जो स्टैंड बाउल था वो थोड़ा लूज भी था और उसमें इतना हार्ड ही नहीं था, मतलब डॉग इजीली उसको पलट दे सकते थे या फिर उसको फेंक सकते थे, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसमें जो यू है वो इसको पूरा सपोर्ट करेगा। अब आप बबल बिठा के इसको ऐसे करके फिक्स कर लीजिए। एक पार्ट हो गया, हर कोई इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। हर साइज़ में ये जो जिसका डॉग है, जिसका जितना हाइट है, डोबरमैन हो या गोल्डन रिट्रीवर हो, लैब हो, कोई भी डॉग के लिए इजी है। इसमें क्या होगा, ये धीरे है, इसमें पहले से स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हार्ट भी ज़्यादा है। आइए अपने डॉग के लिए खरीदें, बेटर होगा, बेस्ट होगा आपके डॉग के लिए।